अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों से वार्ड नंबर ओल्ड 13 और नया 15-16 में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ और जनाब फराजुल इस्लाम साहब के नेतृत्व में डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी का एक आज जो कॉरपोरेशन फंड में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ और जनाब फराजुल इस्लाम साहब, आदिल सुलेमान शेर साहब, सैयद अहमद साहब जो नॉर्थ के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में कॉरपोरेशन से 3 स्लैब फंड जो है ना यहाँ पर लाया गया है और आज वो स्लैब का काम शुरू हो गया है। तो मैं आज तमाम महल्ले वालों की तरफ से और एरिया वालों की तरफ से मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब फराजुल इस्लाम साहब का, आदिल सुलेमान शेख का और जनाब अहमद साहब का। इसी के साथ साथ सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह विजिट कर जहाँ पर जुनून काम है वहाँ पर काम करा रहे हैं। उसी के साथ साथ ए डब्ल्यू और जय जो जूनियर इंजीनियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर कर जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और कई सारे डेवलपमेंट हैं, इंशाल्लाह हम आवाम के बीच में रहकर इसी तरह से डेवलपमेंट को आगे लेकर चलेंगे। और मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मोहतरमा कनीस फातिमा का साथ दें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आपके साथ है और आने वाले वक्त में भी आपके साथ रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट दी जाएगी? इंशाल्लाह, देखिए मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, खमरुसलाम साहब की हयात से लेकर खमरुसलाम साहब के वफात के बाद भी आज मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा के साथ जुड़कर हम एरे के जो भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मसाइल रहेंगे हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करके वहाँ तक लेके जाके कामों को अंजाम देते आ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है अभी तो मैं समझूंगा कि कांग्रेस में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा खासकर हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे एरे के लोगों के लिए एक अच्छा सा फैसला करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और जैसे कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो मेरा भी हक़ है, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मोहतरमा से टिकट का मुतालबा करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टिकट हमें दी जाएगी। देखिए क्या है, अभी तो मैं इस बारे में आपको डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का एक एजेंडा रहता है, कांग्रेस में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहते हैं वो ग्रोथ में फिर कर पब्लिक फील्ड में कौन काम कर रहा है, पब्लिक की चॉइस कौन है और आने वाले वक्त में कांग्रेस में कौन काम कर सकेगा उसको जो है ना लेकर उसके बारे में मशवरा कर कोर कमेटी मैं समझता हूँ इसका फैसला करेंगे। नहीं, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जुड़ के हैं, ना किसी वर्कर में ना नाराज़गी है। ये और बात है कि एक वार्ड होता है 8 से 10 लोग जो है ना रेस में रहते हैं और जब रेस में रहते हैं तो जब पब्लिक का जब ओपिनियन पोल लिया जाता है, पब्लिक से जब राय मशवरा की जाती है उस बेसिस पे कांग्रेस कमेटी और मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा बहुत अच्छा सा एक जो है ना डिसीजन लेकर आने वाले पीरियड में जो है ना वो एक अच्छा सा उम्मीदवार देंगे। मैं तमाम फिरोज नगर की सोसाइटी कमेटी वालों का और हमारे जनाब सदर साहब दस्तगीर अहमद साहब, इनकी जो कोशिश है महल में, तकरीबन मैं यहाँ पर आया हूँ तब से देख रहा हूँ, ना इसमें कोई उनका ये है ना कोशिश है, खुद सुबह सुबह उठते हैं और ऐसा अपनी कोशिश में लगे हुए रहते हैं और हर काम इतना अच्छा होता है उनके हाथ में कि मैं बोल नहीं सकता। और दूसरी बात, ये तकरीबन दिन से फिर रहे थे कमेटी वाले पूरे जाके वहाँ पे म्यूनसिपाली में कहा और मैडम के पास अप्लीकेशन दे के फटाफट काम हो गया, 3 रैम का काम हो गया और डेनिस का भी काम माशाल्लाह यहाँ पे हो चुका है। मैं दस्तगीर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कमेटी की तरफ से और जो है कमेटी वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और हमारे कनीस फातिमा साहब का भी शुक्रिया। देखिए कोशिश तो हमारी पूरी डिलीगेट ले आके वहाँ पे टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं दस्तगीर साहब के लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा, वैसा कोई ये नहीं है, हो जाएगा। ये जो भी काम हो रहा है दस्तगीर के इसमें, जो मैडम फातिमा के इसमें जो काम करा रहे हैं,
उस सही CEO हो रहा है, काम कर रहा है, बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दस्तगीर का जो भी कारोबार कर रहा है सही कर रहा है बच्चा, उसके लिए आप इसको म्यूनसिपाली के इसमें आपको कोशिश करके उनको टिकट दिला दिया जाए। ऐसा तो इलेक्शन में यहाँ पर कैंडिडेट बहुत हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे आप? फिर सपोर्ट करते करने वाले करेंगे, हमको जो होना है उसको सपोर्ट करेंगे, जो काम करना है जो हमारे को जो काम करता है उसको सपोर्ट करेंगे, और दूसरा कोई आगे ठहरेगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वेलफेयर कॉलोनी के तरफ से आज यहाँ पर 3 स्लैब का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ हमारे कनीस फातिमा मैडम की तरफ से, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही इससे हमको सहूलत होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत दिन से ये काम रुका हुआ था जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काम को तकमील पाया, और हमारे जनाब दस्तगीर साहब की मेहनत बहुत ही अच्छी मेहनत चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आने वाले पीरियड में इंशाअल्लाह ताला कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको ही हम वोट देकर कामयाबी देंगे। भाई काम कौन करा रहे ये देखना है ना हमारे एरिया में, हमारे एरिया में तो दस्तगीर साहब एक ही है, हर चीज़ में है आगे। उन रोड का ऑन दे, कचरा ऑन दे, कॉर्पोरेशन का ऑन दे, इलेक्ट्रॉनिक का ऑन दे, हर ऑफिस में उनका ये सब। ये जो 3-4 AM का जो काम बाकी था आज अल्लाह के फजल से हो गया पूरा, और यहाँ पे क्या है हमारे ज़हीफ़ अदमिया को आने जाने के लिए बहुत बहुत तकलीफ़ थी, 2-3 लोग गिर भी गए थे यहाँ पे। और दस्तगीर साहब जो तकरीबन मैं समझता हूँ 10 से 12 साल से इस महल्ले के ताल्लुक से जद्दोजहद लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको टिकट दियो बोल के। तस्तगीर भाई क्या क्या नहीं करे ये बोलो तुम, दस्तगीर भाई हर वो काम करे जो एक प्रेजेंट कारपेंटर भी अगर हटा तो वो नहीं कर सकता था, दस्तगीर भाई वो काम करे सर। और यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ ये जो एरिया का फिरदौस नगर का जो कारपेंटर है आज तक तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है कौन है कारपेंटर बोल के, सबसे पहली बात ये है। फिरदौस कॉलोनी की तरफ से जो दस्तगीर साहब हमारे सदर साहब हैं, और जो ऐसा जिद्दोजहद लगा के फिरदौस कॉलोनी में काम करा रहे हैं, अब तक डैनिस का काम हो गया और थोड़े बहुत स्लिप बचे थे और स्लिपों का भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह अभी 1-2-3 रोड भी परसों जाके साहब को मिल कर आए, वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में चालू होगा। इसलिए हम क्या हमारा जिद्दोजहद क्या है, जब तक इलेक्शन अब करीब आने वाले हैं इसलिए हम हमारे दस्तगीर साहब को मदद करके उनके पीछे करके कारोबार में उनका हेल्प करने का इरादा है हमारा, जहाँ तक हो सके दस्तगीर साहब को लाने का जिद्दोजहद चल रही है हमारी।